नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन सरजी में आपका हार्दिक और स्वागत है। तो आज हम तैराकी से संबंधित सूचना लेके आए हैं, जो कि अभी ग्राउंडों की चर्चा करेंगे। टेम्परेचर क्या रहेगा, क्या प्लेटफॉर्म रहेगी, अभी गर्मियों का समय चल रहा है तो सभी लोग स्विमिंग पूलों में जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इस ग्राउंड की चर्चा। तो इसकी जो लंबाई रहेगी, जो 50 मीटर रहेगी, लंबाई 50 मीटर रहेगी, और जो इस तैराकी ग्राउंड की जो चौड़ाई रहेगी जो 25 मीटर रहेगी, और लंबाई रहेगी 50 मीटर, चौड़ाई रहेगी 25 मीटर, जो इसकी गहराई रहेगी, जो कि तैराकी तैरने के लिए प्रयोग में लिया जाता है तैरते समय, है किसी भी प्लेयर्स के पैर यहाँ धरातल पे टच ना हो, तो इसकी जो गहराई रहेगी जो 1.35 मीटर से लेकर 6 मीटर के अंदर अंदर गहराई के अंदर रहेगी इसकी। जो ये 8 कंपटीशन के लिए लाइंस होती है, इनकी जो कहने मतलब जो पानी की धरातल नीचे रहेगा वो 1.35 से लेकर 6 मीटर के बीच बीच में ही रहेगा। कुल लेन रहेगी जो 8 लाइंस रहेगी, जो कि इनकी जो चौड़ाई रहेगी वो 2.5 मीटर रहेगी, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ के लिए 2.5 मीटर रहेगा ये डिस्टेंस रहेगा। सभी टोटल सभी लाइनों में 2.5 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई रहेगी जो 50 से लेके 75 सेमी के मध्य रहेगी, इनके बीच में रहेगी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। पानी का जो तापमान रहेगा वो 26 से लेके 27 सेंटीग्रेड रहेगा, या 78 से लेके 8 रहेगा। और आगे चलते हैं, अभी इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण चर्चा करने वाले आगे, जो कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है, कौन कौन से कितने मीटर की होती है, 100 मीटर, 50 मीटर, कौन कौन सी स्पर्धाएं होने वाली है इस ग्राउंड के अंदर। लंबाई चौड़ाई तो हमने चर्चा कर ली है, और अभी इसमें प्रमुख स्पर्धाएं कौन कौन सी होने वाली है। फ्री स्टाइल के अंदर होने वाली है इस तैराकी के अंदर प्रतियोगिताएं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर होने वाली है फ्री स्टाइल के अंदर स्पर्धाएं तैराकी के अंदर। ये संपूर्ण अलग अलग कैटेगरी के अंदर आती है। बैक स्ट्रोक आ गया, जो कि 50 मीटर आ गया, 100 मीटर आ गया, 200 मीटर आ गया ये। और आगे चलते हैं, बटरफ्लाई हो गई 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर में बटरफ्लाई आ गई। बेस्ट स्ट्रोक रहेगा जो 50 मीटर रहेगा, 100 मीटर रहेगा और 200 मीटर रहेगा। और जो कि आगे चलते हैं, 200 मीटर व्यक्तिगत मेंडले रहेगा, जो कि बटरफ्लाई रहेगा, बैक स्ट्रोक रहेगा और बेस्ट स्ट्रोक रहेगा और फ्री स्टाइल रहेगी। और इसी के अंदर ये सेम रहेगा, 200 मीटर में जो जो प्रतियोगिताएं होगी वो भी सेम 400 मीटर के अंदर होने वाली है, सेम प्रतियोगिताएं, सभी प्रतियोगिताएं जो 200 मीटर में होने वाली है प्रतियोगिताएं, मेंडले व्यक्तिगत मेंडले प्रतियोगिता है जो 400 मीटर में सेम रहेगी। आगे चलते हैं, 4x100 के अंदर जैसे कि 100 मीटर प्रतियोगिता होगी, तो इसके लिए 100 मीटर के लिए 4 प्लेयर्स रहेंगे। 100 मीटर एक क्लियर करेगा, उसके बाद दूसरा प्लेयर आएगा, तो 4 प्लेयर होंगे। तो 4x100 इसी को कहते हैं, रिले रहेगा ये, फ्री स्टाइल रहेगा, टीम स्पर्धा रहेगी 4 लोगों के लिए, 4 लोग खेलेंगे इसके अंदर, टीम रहेगी 4 लोगों की। आगे चलते हैं, ये सेम रहेगा 4x200, इसके अंदर 200 मीटर चलना होगा, इसके अंदर 100 मीटर चलना था, इसमें 200 मीटर चलना है नीचे वाले के अंदर, तो इसमें भी 4 ही प्लेयर रहेंगे, सेम रहेगा, मीटर में रहेगा, रिले रहेगा, फ्री स्टाइल रहेगा, टीम स्पर्धा रहेगी। इसके नीचे चलते हैं, आगे चलते हैं, चाहेगा जो कि 4 प्लेयर कहेंगे, 100 मीटर का रहेगा, और मेंडले रहेगा, रिले रहेगा, जो कि इसके अंदर बैक स्ट्रोक रहेगा, बेस्ट स्ट्रोक रहेगा, बटरफ्लाई रहेगा और फ्री स्टाइल रहेगा। ये प्रतियोगिताएं होने वाली है, इसके अंदर 4x100 मेडले होने वाली है। आगे चलते हैं, 4x100 मिक्सड मेडले रिले, मिक्सड रहेगा। और आगे चलते हैं, 5 किमी, 10 किमी और 25 किमी की प्रतियोगिताएं होने वाली है तैराकी के अंदर। तो ये